चलो जल्दी आओ रे, क्लास स्टार्ट हो गई अभी। बायोलॉजी की और आज का जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक को अपन जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? टॉपिक का नाम है पादपों में जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन। अपने जो टॉपिक का नाम है वो है अपना प्लांट रिप्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है अपना पादपों में जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन। और अभी तक जो है अपन ने पढ़ाई की इसके अंदर कि कौन कौन से टॉपिक अपन ने पढ़े हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि पादपों का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लैंगिक जनन में सहायक होता है। जल्दी आओ, पादपों में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लैंगिक जनन में सहायक होता है? तो अपने बात की थी पुष्प, और पुष्प के ऐसे दो भाग होते हैं मेनली जो उनके लैंगिक जनन में काम आते हैं। पहला जो है अपन ने पढ़ा था पुंकेसर की बात की थी, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे स्त्री केसर की। पुंकेसर की बात करी थी और पुंकेसर को अपन ने काट के और उसके बारे में सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था। इसके अंदर बनने वाले जो बीज थे उसके बीजाणु कहा था अपन ने, और उनको पराकरण भी कहा था। यहाँ से दो बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। पहला बनता है कि लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसकी स्ट्रक्चर बनानी थी, लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन करना था, और दूसरा जो है अपने पराग कण जो होते हैं उनकी संरचना का सचित्र वर्णन करना था। यहाँ से छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक छोटा क्वेश्चन अपने और बना था कि लघु बीजाणुधानी जो होती है, लघु बीजाणु जनन जो होता है वो किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन की और पूरा पूरा अपने प्रोसीजर था। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, अपन बात करेंगे फिर उसके आगे। स्त्री केसर की बात कर रहे थे, और स्त्री केसर की अगर बात करें अपन तो स्त्री केसर की संरचना जो थी वो अपन ने कुछ इस तरह से बनाई थी। इस तरह का होता है इसमें ऊपर की तरफ मटके के समान संरचना होती है, यहाँ से इनके पुंकेसर निकलते हैं और यहाँ से इसके दल और बाह्य दल सहायक अंग निकलते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका जो वाला भाग था अपन ने बताया था कि ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, वृतिका। और फिर इसके बाद में ये वाला जो भाग होता है कौन सा होता है, अंडाशय। कौन सा भाग होता है, अंडाशय होता है। समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद में अपन ने बात की थी जो अंडाशय है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये वाली जो बात चल रही थी अपनी अंडाशय, ये वाला भाग हो गया इसका। इस अंडाशय के अंदर जो होते हैं वो बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद में फिर अपन ने एक बड़े क्वेश्चन की बात की थी कि जो बीजांड जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसी संरचना होती है उनकी, उनके बारे में बात की थी। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुरु बीजाणु या फिर अपन कह दें बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो अपनी कल डिस्कस हो चुका था ये बात, क्या कहा था अपन ने, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड, ये अपनी कल बात हुई थी बीजांड की संरचना। अब यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है गुरु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन पूछ ले चाहे बीजांड की संरचना का आपसे वर्णन पूछ ले, तो आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे किस प्रकार की संरचना हुआ करती थी। इस प्रकार से अपन ने बनाई थी संरचना। ये वाली अपन ने संरचना बनाई थी कल, और इस संरचना के अपन ने 5-6 नाम लिखे थे, और ये भी बताया था कि ये वाला जो भाग वो प्रैक्टिकल में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बड़ा क्वेश्चन बनता है 2-3 नंबर का तो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल में तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। समझ आ रही बात, स्पोर्टिंग में क्वेश्चन बनता ही है तो ध्यान रखिए इसका। फिर उसके बाद बात करते हैं कि बीजाणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपने, वो बीजाणु के प्रकार दे रखे हैं। बीजाणु जो होते हैं इनके प्रकार, इनकी बात करें अपन बीजाणु के प्रकार की, तो पहला प्रकार जो होता है उसको कहते हैं अपन ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हैं अपन, ऑर्थोट्रोपस। क्या नाम है इसका, ऑर्थोट्रोपस। उसकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है।
इस तरह से होती है। ये दोनों इसके अध्यावरण हो गए, ये वाला भाग जो था उसमें बीजांड ग्रंथ की बात कर रहे थे वो हो गया, और इस बीजांड ग्रंथ के अंदर जो है वो छोटी छोटी संरचनाएं अपने को दिख रही थी वो क्या थी, रेफे। क्या थी ये? रेफे। ये वाला पूरा तंतु जो वो क्या हो जाएगा, बीजांड ग्रंथ। क्या हो जाएगा? बीजांड ग्रंथ। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अध्यावरण। क्या हो जाएंगे? अध्यावरण। ये वाला इसका क्या भाग हो जाएगा, न्यूसिलस या बीजांड काय। क्या कहेंगे इसको, बीजांड काय। समझ आ रही बात? ये वाला जो भाग हो जाएगा इसको क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। इतने सारे नाम आपको लिखने नहीं है, आपको कहा जाए कि ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो किस प्रकार का होता है तो आपको इतना सा डायग्राम बना करके इसको कंप्लीट कर देना है। फिर आते हैं इसके बाद में इसके एग्जांपल, किसमें पाया जाता है। सामान्यतः जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, कौन से, अनावृत बीजी पादप। और अनावृत बीजी पादपों में कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म पादपों को अपन क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पादप कहते हैं। इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म पादपों को। जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, अनावृत बीजी। मतलब जो हायर प्लांट जो होते हैं उनसे नीचे वाले, सेकंड जो नंबर के जो प्लांट होते हैं उनकी बात करें अनावृत बीजी, उनमें कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है। ध्यान रखना यहाँ से लगभग 7 या 6-7 प्रकार के अपने बीजांड होंगे, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी और आगे भी पूछ सकता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि कैक्टस जो होती है, नागधनी जो होती है, उसके अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो अपन बात करेंगे। तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि अनावृत बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, तो कौन सा हो गया, ऑर्थोट्रोपस। समझ आ गई बात, ऑर्थोट्रोपस की संरचना कुछ इस तरह से होती है। समझ आ रही बात, कुल मिलाकर के अपन ने जो पहले बनाया था, छोटी संरचना बनाकर बताया, तो पहले जो अपन ने बनाया था वो कुछ इस तरह से था। पहले जो बनाया था अपने वो कुछ इस तरह से था, अब इसको अपने सीधा कर दिया, सीधा करने पर ये ऐसा हो गया। समझ आ रही बात, तो ये कौन सा हो गया, ऑर्थोट्रोपस। समझ गए होंगे बात को, अरे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप एक बार, दूसरा टाइप कौन सा आता है उसकी बात करें। एग्जांपल जो है 2-3 की याद रखने होंगे, ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, कुछ एक जो है वो काम के हैं बाकी काम के नहीं है। बीजांड का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं अपन एनाट्रोपस। क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। ये जो एनाट्रोपस जो है वो अपन पहले जो बनाए हैं वही एनाट्रोपस होता है, ध्यान रखना। कौन सा, ये वाला। समझ रहे हो बात को, इसको क्या कहते हैं अपन, एनाट्रोपस कहते हैं। जो अपन प्रारंभिक रूप से अपन जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, एनाट्रोपस कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये अपन पहले स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं कि एनाट्रोपस प्लांट ऐसा होता है, एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो। इसका ये वाला बीजांड द्वार वाला भाग हो गया, ये इसका अध्यावरण हो गया, सॉरी ये दोनों अध्यावरण हो गए इसके, और ये वाला जो भाग होते बीजांड काय हो गया, ये वाला भाग चेलेजा वाला भाग हो गया, और ये बीजांड ग्रंथ हो गया। समझ आ गई बात तुम्हारे को, और ये इसके अंदर पाई जाने वाली संरचना जो है वो रेफे होगी। तो कुल मिलाकर के जो अपन ने पढ़ा था वो किस प्रकार का बीजांड पढ़ा था अपन ने, एनाट्रोपस। तो दो प्रकार के बीजांड अपन ने पढ़े हैं, पहला ऑर्थोट्रोपस किसमें पाया जाता है, सामान्यतः जिम्नोस्पर्म पादपों में। अब ये वाला एग्जांपल बात करें इसकी, तो अधिकांश पादप लगभग 82% स्पीसीज ऐसी होती है, 82% पादप ऐसे होते हैं अनावृत बीजी, सॉरी आवृत बीजी पादप जो होते हैं उनकी, आवृत बीजी पादप। मतलब आवृत बीजी पादप किनको कहेंगे, एंजियोस्पर्म पादपों को आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म पादपों के लगभग 82% जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। समझ रहे हो बात को, नाम लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि अपन इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद बात करें अपन, जो एग्जाम में आया हुआ है उसकी बात करते हैं। तीसरा जो है वो पढ़ते हैं अपन,
सार्सिनो प्रोपस, कौन सा है? सार्सिनो सार्सिनोट्रोपस। समझ आ रही बात? अब सार्सिनोट्रोपस कैसा होता है उसको देखना, होता तो कुछ इस तरह से ही है। संरचना देखना एक बार इसकी, मतलब इसको समझ रहे होंगे कैसा है। सार्सिनोट्रोपस में ये वाला बीजांड ग्रंथ इतना लंबा हो गया कि एक बार घूम करके वापस इसके पास यहाँ आ गया। संरचना देखने में कैसी लग रही है अपने को? ऑर्थोट्रोपस जैसी, सॉरी एनाट्रोपस जैसी दिख रही है अपने को, एनाट्रोपस जैसी दिख रही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये बीजांड ग्रंथ घूम करके यहाँ से निकल के सीधा इससे जुड़ जाता तो ये वाला लाइन कम हो जाती इसकी। समझ आ रही बात? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से निकला और पूरे के पूरे भाग में जाकर के इस तरह से वापस घूम करके आ रही है। समझ आ रही बात? ये क्या हो जाएगा इसका? सार्सिनोट्रोपस। पूरे सार्सिनोट्रोपस जो होता है वो किस में पाया जाता है? एग्जांपल कैक्टस पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कैक्टस। और ये कैक्टस किसका, इसका एक पादप जो है वो क्या होता है? नागफनी। नागफनी है, दंडाथोर है, ग्वारपाटा है, इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं? कैक्टस के अंदर आते हैं। समझ आ रही बात तुम्हारे को? तो ये नागफनी के अंदर पूछा गया था कि किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है नागफनी में? सार्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। सार्सिनोट्रोपस बीजांड की क्या हालत होती है, कैसे होता है? होता तो ऑर्थोट्रोपस ही है। अगर मान लो मैं इसको मिटा करके कुछ लिखने की कोशिश करूं और इनको यहां से मिला दूं, इसको यहां से अपन ने सीधा मिला दिया और ये वाला अपन ने खत्म कर दिया। अब ये वाला खत्म कर दिया तो एक प्रकार से ऑर्थोट्रोपस ही दिख रहा है अपने को, लेकिन ये ऑर्थोट्रोपस होता नहीं है। कैसा होता है? यहाँ का जो बीजांड जो होता है उसके बाहर की तरफ से निकल के वापस ही आते हैं, यहाँ से घूम करके कहां से आते हैं? यहां से आते हैं। समझ आ रही बात? तो कैसा हो जाएगा ये, कैसा हो जाएगा ये? सार्सिनोट्रोपस। समझ गए होंगे बात को? तो सार्सिनोट्रोपस की संरचना भी देख लें और इसका एग्जाम्पल भी देख लें। अभी तक इन तीनों के अंदर से ही एग्जाम्पल बेसिस क्वेश्चन आए हैं, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आने की संभावना कम होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन तीसरा जो है, सॉरी चौथा जो है उसको कहते हैं हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस कौन सा हो जाएगा तीसरा? हेमीट्रोपस। और हेमीट्रोपस की अगर बात करें तो कैसा हो जाएगा हेमीट्रोपस? हेमी मतलब होता है आधा, और ये कैसा होता है? ना तो ऑर्थोट्रोपस होता है और ना ही एनाट्रोपस होता है, इन दोनों के बीच वाला होता है। इसकी संरचना देखें एक बार, समझ गए बात को? मतलब जो था ये बीजांड पूरा सीधा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और इधर पूरा घुमाव भी नहीं है। मतलब कुल मिला के बात करें ना तो ये ऐसा है और ना ही ये ऐसा है। समझ आ रही बात? इन दोनों के बीच का है। समझ रहे हो बात को? जो तीन पढ़े थे उनको याद रखना है, इनको बिल्कुल थोड़ा सा याद रखना है कैसा होता है। नाम के बेसिस पर ही हेमी मतलब आधा। समझ आ रही बात? तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? हेमीट्रोपस। समझ आ गई बात? अब हेमीट्रोपस है तो इसके दो अध्यारण हो जाएंगे। यह वाला क्या हो जाएगा? इसका बीजांड या भ्रूण कोष हो जाएगा। यह वाला जो भाग है अपना इसका, ये क्या हो जाएगा? बीजांड न्यास या बीजांड निश्चिरस कहेंगे इसको। फिर उसके बाद में ये वाली संरचना हो जाएगी, इसके अंदर छोटी सी, ये क्या हो जाएगी? रेफे संरचना हो जाएगी। और ये वाला जो भाग अपने को दिख रहा है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा? इसका बीजांड ग्रंथ हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखें। तो तीसरा कौन सा हो गया, चौथा कौन सा हो गया अपने? हेमीट्रोपस। अभी तक अपन चार पढ़े हैं, तो ये बात हुई अपनी।
बीजांड के प्रकार। अभी तक अपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़े हैं, बीजांड के प्रकार पढ़े हैं अपने। अब देखो आगे जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि बीजांड जो है वो बना कैसे है उसकी बात करते हैं। तो गुरु बीजांड की संरचना, गुरु बीजाणु की संरचना। अब बीजांड जो होता है उसके अंदर ही क्या होती है, गुरु बीजाणु होता है। अपन ने जगह खाली छोड़ रखी है, देखना एक बार थोड़ा सा। ये अपन ने संरचना बनाई है और इसके अंदर ये वाले जो खाली संरचना दिख रही है ये वाले जिसमें मैंने लाइनिंग की है उसको ही अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कोष या गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं इसको, गुरु बीजाणु कहते हैं इसको। समझ आ रही बात। अब ये गुरु बीजाणु जो है उसके जनन की बात करते हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो मैं इन सबको हटा दो एक बार और केवल गुरु बीजाणु ही बना देते हैं। तो ये वाली जो संरचना थी अपने उसको क्या कहा अपने, गुरु बीजाणु। अब उसकी संरचना कैसी होती है गुरु बीजाणु की वो देखते हैं। गुरु बीजाणु जो होता है वो भ्रूण कोष को ही अपन गुरु बीजाणु कह रहे हैं। ऐसी इसकी संरचना होती है। अब इसके अंदर जो होती है क्या होती है, तीन कोशिकाएं होती है यहां पर और तीन कोशिकाएं ही होती है यहां पर। समझ आ रही बात। और बाकी ये जो बच जाता है पूरा का पूरा भाग, ये बचा हुआ जो भाग होता है पूरा का पूरा वो क्या होता है, केंद्रीय कोशिका, जिसके अंदर क्या होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। अब ये कोशिका तो इसके अंदर भी एक केंद्रक उपस्थित होता है। समझ आ रही बात। अब जो इधर की तरफ कुल मिलाकर के अपन इसको कहें तो ये कौन सा वाला भाग हो गया, बीजांड द्वार का भाग हो गया। कैसे, डायग्राम बता देते एक बार कैसे और बनाइए। ये बना हुआ भाग है, इसके अंदर जो बीच वाला जो भाग था वो अपना कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो ये वाला कौन सा हो गया, बीजांड द्वार भाग। कौन सा भाग हो गया, बीजांड द्वार भाग। और ये वाला कौन सा हो गया, इसका चेलेजा वाला भाग। कौन सा, चेलेजा। समझ में आ गई बात। ये कौन सा भाग हो गया, चेलेजा। और ये कौन सा हो गया, बीजांड द्वार। अब इन सबको मिटा करके स्टार्ट करें तो बीजांड द्वार की तरफ की तीन कोशिकाएं जो है, बीजांड द्वार की तरफ की जो तीनों कोशिकाएं हैं वो देखें एक बार कौन कौन सी होती है। इसके अंदर ये वाली होती है इसकी सहायक कोशिका। क्या होती है, सहायक कोशिका। ये वाली भी क्या होती है इसकी, सहायक कोशिका। तो दो कौन से होगी, सहायक कोशिका। एक जो बीच वाली बच गई उसको क्या कहेंगे अपन, अंड कोशिका। क्या कहेंगे इसको, अंड कोशिका कहेंगे। समझ आ रही बात। ये जो बीच में बच गया उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र या ध्रुवीय कोशिका। क्या क्या नाम देते हैं इसके, द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय कोशिका नाम देते हैं। फिर उसके बाद में बात करें अपन थोड़ा सा, ये जो चेलेजा भाग की तरफ तीनों कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तीनों को अपन क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं इसको, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। समझ में आ रही बात। तो गुरु बीजाणु की संरचना के बारे में पूछा था, ये भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु बीजाणु की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए और आप एक नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप, इस पर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करके इसके नाम लिखेंगे। कौन सा हो जाएगा, सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी दोनों पास वाली, एक कोशिका कौन सी हो जाएगी, अंड कोशिका हो जाएगी, केंद्र के अंदर पाए जाने वाली कौन सी हो जाएगी इसकी, ये केंद्रीय कोशिका हो जाएगी, ध्रुवीय कोशिका अपन इसको कहें तो हो जाएगी। ये वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। समझ आ रही बात। ये वाले अपने इसकी संरचना हो गई। ध्यान रखना ये आपके बोर्ड के बेसिस से तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर भी ये एक प्रकार का प्रादर्श होता है। पादर प्रादर्श की बात करें तो पादर प्रादर्श में
ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो जो अपन पहले बताया गुरु बीजाणु की बात करी, तब उसमें बीजाणु की बात करी थी, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गुरु बीजाणु या निश्चिलस की बात करें तो वो वाला भाग हो जाएगा। इसमें किसी भी एक नाम को मिटा देगा, एक नाम को मिटा देने के बाद में क्या करेगा, उससे ए बी सी मेंशन करवा करके बोलेगा बताओ क्या है ये। सबसे पहले पूछता है कि बताओ डायग्राम किसका है, पहचानो, फिर उसके बाद पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कुछ भी चेंज करके पूछ सकता है तुम्हारे से। समझ आ रही बात? अब देखो खास बात जो है इसके अंदर वो देखने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे कि ये जो गुरु बीजाणु है या जो गुरु बीजाणु वाला जो भाग है पूरा का पूरा, उसके अंदर कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं होती है, केंद्रों को गिनती करें एक बार, तो कितने केंद्र हो जाएंगे, तीन केंद्र किधर हो गए, दो केंद्र किधर हो गए और तीन केंद्र किधर हो गए, तो कैसा हो जाएगा, 3 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे टोटल, 8 केंद्र हो गए। अरे हुए कि नहीं 8 केंद्र, टोटल केंद्र कितने हो गए, 8। अब कोशिका की बात करें तो कोशिकाएं कितनी होंगी, 3 ऊपर 3 नीचे 6, लेकिन ये जो दो केंद्र का एक ही कोशिका के अंदर, पूरी की पूरी एक कोशिका है ये, जिसने अपने क्या कहा ध्रुवीय कोशिका कहा है, तो ये कितने हो जाएगी, 3, तो कोशिका 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी 6, और एक कैसे हो जाएगी केंद्रीय कोशिका, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगी 7 कोशिकाएं, क्या हो जाएंगी, 7 कोशिकाएं। समझ में आ रही बात? तो अपन कहेंगे कि परिपक्व जो गुरु बीजाणु होता है, जो परिपक्व गुरु बीजाणु जो होता है उसके अंदर कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं, तो 7 केंद्रक 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछता है और यहाँ तक कि नीट और इनमें पूछता है किसी कि गुरु बीजाणु जो होता है उनके अंदर कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। साथ साथ में आपके प्रैक्टिकल में तो ये क्वेश्चन है ही सही कि वहां पर पूछेगा कि बताओ कौन सी कोशिका क्या नाम है, तो वहां पर तो इम्पोर्टेंट है ही सही है, लेकिन आगे के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो समझ आ रही बात? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि गुरु बीजाणु ये वाला, कि गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नीट के अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जो गुरु बीजाणु जो होते हैं उनकी व्यवस्था जो होती है उनके अंदर केंद्र की व्यवस्था क्या होती है, गुरु बीजाणु के अंदर केंद्रकों की व्यवस्था कैसे होती है, तो केंद्र की व्यवस्था कैसे होगी, 3 2 3 कितने होती है, 3 2 3। समझ आ रही बात? 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर कैसे काउंट करते हैं, यू से यूनिट काउंट करते हैं। समझ आ रही बात? बीजाणु द्वार से लेकर के चले जाओ बाग की तरफ काउंट करते हैं। ध्यान रखना आपके सामने 2 + 3 + 3 ऐसा दे दे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ आ रही बात तुम्हारे को? ये वाला भी ऑप्शन में होता है 2 + 3 + 3 तो ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन ये भी गलत होता है, ध्यान रखना 3 + 3 + 2 ये भी गलत होता है। सही क्या होता है कि इधर से गिनते चलो कितनी कोशिकाएं आ रही है, फिर कितनी कोशिकाएं आ रही है, फिर कितनी कोशिकाएं आ रही है, ऐसा नहीं कि पैसे उठा करके बीच वाले दो कोशिकाओं पहले रख दे फिर 3 फिर 3 ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन जो चलेजा वाला पार्ट होता है उसकी तरफ से काउंटिंग करते हैं इसकी, और ये क्या होता है 3 + 2 + 3। समझ रहे हो बात को? तो कुल मिलाकर के अपन इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके गुरु बीजाणु, क्या हो जाएगा गुरु बीजाणु। समझ रहे हो बात को? ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके गुरु बीजाणु। अब बात करते हैं अपन गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन की अगर बात करें तो अपन कहेंगे क्या कि गुरु बीजाणु या बीजाणु जो होता है उसके अंदर गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, गुरु बीजाणु जनन। छोटी परिभाषा आपके आ सकती है बोर्ड में, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा गया है पहले, इसीलिए ध्यान रखना इसको। तो गुरु बीजाणु जनन जो होता है ये टॉपिक लगा के रखें, नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफी है।